यह उदाहरण इस प्रकार है कि हमें यह दिया हुआ है कि एक मौसमी उत्पाद है जिसके कि बिकने पर प्रति इकाई एक रुपये का कुल लाभ प्राप्त होता है और यदि मौसम की समाप्ति तक वह उत्पाद न बिके तो प्रति इकाई बी रुपए का कुल घाटा होता है तो यह तो तथ्य दिया हुआ है इस तथ्य का इस्तेमाल करते हुए हमें यह बताना है कि एक विशेष बहुविभागीय दुकान जो द्वारा किसी मौसम में उस उत्पाद की मंगाई हुई कुल संख्या एक चर है एक दुकान है जो उस उत्पाद को अपने यहाँ रखना चाहती है और जिससे कि उसे कुछ मुनाफा प्राप्त हो तो वह कितना उस संख्या मंगाएगी उस उत्पाद की इस आशा से कि उसे कुछ लाभ हो तो वह जो है ये जो हमारा जो संख्या है वह एक चर होगा और उस चर का प्रायिकता द्रमान चूँकि किसी भी उत्पाद की जो हम मंगाएंगे वह उनकी संख्या एक पूर्ण होगी जैसे कि एक दो तीन इस तरह से हम मंगाएंगे उनकी संख्या को इसलिए यह एक प्रायिकता द्रव्यमान को इंगित करेगा उस प्रायिकता द्रव्यमान को हम उसका मान हमें पी आई दिया है जहां i का मान शून्य या शून्य से या तो वो कुछ नहीं मंगाएगा तो उसे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा लेकिन अगर उसे एक मंगाएगा अगर वो बिक जाएगा तो फ़ायदा होगा वह नहीं बिकेगा तो उसका नुकसान होगा तो हमें यह गणना करनी है कि वह दुकान इस उत्पाद का अग्रिम भंडार करती है मौसम आने के पहले और तो यह याद करना है कि औसत लाभ को महत्तम करने के लिए उसे कितनी इकाइयों का भंडार करना चाहिए तो यह प्रश्न लंबा प्रतीत होता है इसलिए हम ये देखते हैं हमें यह निकालना है कि उस दुकान का लाभ औसत लाभ जो है वह महत्तम हो तो उस दशा को करने के लिए उसे कितनी इकाइयों का भंडारण करना होगा तो इस प्रश्न का हल निकालने के लिए पहले हमें कुछ अनुमान लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो बहुत ही आवश्यक जानकारी छुपी हुई दी हुई है इसलिए हमें कुछ मानना पड़ेगा पहले उस चीज़ों को जिसपे कि यह लाभ को हम गणित कर सकें फिर गणित करने के बाद हम उस लाभ को कितनी इकाइयाँ का भंडार उस दुकान ने किया उसके संबंध में व्यक्त करेंगे और फिर देखेंगे कि वह लाभ जो है वो कैसे बढ़ाया जाए तो आइए इसके हल की ओर देखें कि कैसे हम करेंगे इसको तो पहला तो हम ये मानेंगे कि x एक यात्रिक चर है जो उत्पाद की मांग को दर्शाता है जो कि यह बड़ा ही मूलभूत ज्ञान है जो बिना इसके हम इस प्रश्न का नहीं कर सकते जब भी कोई दुकान कोई भी उत्पाद रखती है अपने पास बेचने के लिए तो वह उत्पाद अगर उससे अपना मुनाफा या उसका लाभ बढ़ाना है तो वो जितना सामान रखेगी अगर वो सब बिक जाएगा तो उसे उसी के अनुपात में उसको लाभ होगा लेकिन अगर वह नहीं बिका तो उसे अनुमान लगाना है किस चीज़ का कि कितनी मांग होगी उस उत्पाद की तो हर दुकान अगर यह लाभ को अगर महत्तम करना चाहती है तो उसे कुछ अनुमान लगाना होगा कि कितनी मांग होगी उस विशेष मौसम में तो मानिए कि वह एक्स वह यात्रिक्षर है जो मांग में कितनी मांग रहेगी उस संख्या को दर्शाता है यदि हम यह मान लें तो अब हम ये एक और चीज़ मानते हैं यदि एस इकाइयों का भंडार किया जाता है उस दुकान द्वारा तो हमारा जो कुल लाभ होगा जिसको कि हम पी एस से दर्शित कर रहे हैं गणितीय रूप से उसको हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं अब आप ये देख सकते हैं कि दुकान ने एस इकाइयों का भंडार किया उत्पाद के और उस अनु और वो जो उस मौसम में जो मांग है जो कि या चिक्चर है उसका मान एक्स है तो अब एक्स हम देख सकते हैं कि लाभ कैसे हम इसमें गणित करेंगे यही इसका सबसे मूलभूत पद है इस प्रश्न का हल निकालने के लिए कि लाभ होगा विभिन्न दशाओं में विभिन्न विभिन्न प्रकार से जैसे कि जब मांग जितनी उत्पाद की जितनी संख्या का भंडारण उस दुकान ने किया है से कम है या उसके बराबर है तो वह लाभ होगा कि अगर मांग एक्स उत्पाद की है तो मतलब मांग में वह उत्पाद बिक जाएंगे तो उससे कुल लाभ होगा क्योंकि एक इकाई पर लाभ ए रुपये का होता है तो वह होगा ए एक्स पर अगर इस मांग जो जो भंडारण किया है उसमें से उस संख्या को घटाने से एस माइनस एक्स मतलब यह सारे उत्पाद मौसम के अंत तक नहीं बिक पाएंगे तो इनकी वजह से दुकान को कुल घाटा होगा एस माइनस एक्स गुड़न भी जहाँ भी हमें दिया हुआ है कि कितना घाटा प्रति इकाई होता है दुकान को तो अतः इस दशा में जबकि मांग भंडारण किए हुए संख्या उत्पाद की संख्या से कम या बराबर होती है तो लाभ को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं एक अन्य दशा जो कि यह है कि मांग उस मौसम में ज़्यादा होती है जितना कि उस दुकान ने उस प्रतिष्ठान ने भंडारण किया था तो इस दशा में क्या होगा दुकान ने एस इकाइयों का भंडारण किया वो सारी इकाइयाँ चूँकि मांग बड़ी है तो वो सारी सारी इकाइयाँ बिक जाएंगी तो उसे कुल लाभ होगा एस गुणित ए जहाँ एक एक इक इकाई का लाभ है तो इस दशा में कोई उसे घाटा नहीं होगा जो कि कुछ भी सामान कुछ भी उसका उत्पाद बचेगा नहीं तो वो केवल लाभ ही पाएगा लेकिन वह लाभ महत्तम नहीं होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग और भरित किए हुए संख्या में भंडारण की हुए संख्या में कितना फर्क है अगर उसने एक ही उत्पाद को रखा तो मांग अगर 20 की थी तो वह एक ही बेच पाएगा उस मौसम में चूँकि उस उत्पाद को कहीं से मंगाने के कुछ अलग ही समय लगेगा तो वह उस मौसम में शायद ना आ पाए तो वह अपने लाभ को महत्तम नहीं कर पाएगा वो प्रतिष्ठान वो दुकान चूँकि उसके पास उसने कम संख्या में भंडारण किया था लेकिन वो ज़्यादा कर लेगा तो लाभ के साथ कुछ नुकसान होगा जो कि हमने पूर्वापण में गणित किया है तो अतः हमने लाभ को व्यक्त कर दिया जो हमें दिया हुआ है कथन में कि कितना लाभ नुकसान होता है और मांग और भंडारण किए हुए और दुकान द्वारा भंडारण किए हुए मौसम के पूर्व संख्या के तो अब हम इस लाभ का औसत या अपेक्षा निकालेंगे अपेक्षित मान निकालेंगे तो आपको पता है कि किसी भी यह जो लाभ है वह एक फलन है चर का जो कि एक शिक्षा चर है तो यह लाभ भी एक चर है तो इसका मान निकालने के जैसा कि हमने पूर्व में देखा किसी भी चर के फलन का मान या उस फलन का मान चर के ली गई सारी मान से उनके प्रायिकताओं उन मान को लेने की प्रायिकता के गुणन के योग के बराबर लिख सकते हैं यही हम इस्तेमाल करेंगे इस पद में तो ये औसत लाभ का मान बराबर होगा जब हम इन सभी दशाओं को हम गुणित कर दें प्रायिकता, द्रव्यमान फलन से जो कि उन संख्याओं को तो आई का मान यहाँ पर बदल रहा है एक से लेकर ऐस तक यह तो तब है जब हमारी मांग जितना भंडारण किया हुआ था उसके बराबर या उससे कम रहती है और यह जब हमारी मांग जो है जो जितना भंडारण उससे ज़्यादा रहती है तो यह हमने ये दोनों पदों को परस्पर प्रायिकता द्रव्यमान से गुणित करके उनकी सारी संभावनाओं के योग के बराबर लिख दिया अब हम देख सकते हैं जब यह हमने इसको इस तरह व्यक्त कर दिया तो इसे हम कैसे थोड़ा सरलित कृत करें तो सरलीकृत करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक कोष्टक में दिया हुआ है इस कोष्टक को सरल करने के लिए अगर हम करेंगे तो इसका मान हम लिख सकते हैं A धन B और यह योग प्रयुक्ताओं का आय का प्रयक्त दरबान से गुणित और यह दूसरा पद दे दे देगा और जहाँ तक ये तीसरा पद है उस तीसरे पद को हमने व्यक्त किया है पूर्व की भांति यह संख्या एस धन एक मतलब मांग का जितना भंडारण है उससे एक ज़्यादा से लेकर बहुत ज़्यादा तक चूँकि यह अनंत संभावनाएं हैं तो इसको हम एक पूरक प्रायिकता के संबंध में लिख सकते हैं एक ऋण वह संभावनाएं जो कि शून्य से लेकर एस तक होती हैं यह हमने पहले भी इस्तेमाल किया है तो इनको हम इस तरह व्यक्त करने के बाद हम थोड़ा और सरृत कर सकते हैं यह सारे पद ध्यान से के इन पदों को कि यह ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है और इस तरह हम इस अपेक्षित लाभ या औसत लाभ को इस व्यंजक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ की पहला पद एस ए धन ए धन बी जहाँ की दो की लाभ की हमारे कुल की, कितने रुपए का लाभ और कितने रुपए का का नुकसान होता है वो और हमने सम किया इसे 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 योग किया आई का मान शून्य से लेकर तक क्या हुआ इसका क्योंकि हमने इसको यहाँ पे एक पूरक पर से कर दिया तो इसलिए हमेशा योग का जो है वो मान आई जीरो से लेकर तक ही होगा तो जब ये हमने व्यक्त कर लिया तो हम ये देख सकते हैं यह एक फलन है एस के संबंध में एस इज़ वह संख्या है जो कि उस दुकान ने मंगाई जिसका कि भंडारण किया अब हमें यह बताना है इस प्रश्न में कि यह लाभ औसत लाभ महत्तम हो तो हमें वह संख्या एस निकालनी है वह जो सबसे ज़्यादा प्रभावी संख्या निकालनी है जिसके लिए कि यह लाभ महत्तम होगा तो इसके निकालने का सैद्धांतिक तरीका यह है कि हम इसका व्युत्पन्न निकालें s के सापेक्ष में और उस व्युत्पन्न को हम शून्य से रख के उसको सरलीकृत करें तो वह एक सैद्धांतिक तरीका होगा इसके लिए हम एक थोड़ा आसान तरीका लेते हैं जिसका कि विवरण इस प्रकार है कि हमें S का सर्वोत्तम मान निकालना है सर्वोत्तम मान वह मान S का होगा जिसके लिए कि औसत लाभ महत्तम होगा तो उसको निकालने के पहले हम एक युक्ति लगाते हैं कि अगर हम S का मान एक इकाई बढ़ाते हैं तो उससे होने वाले उस प्रभाव को लाभ पे अगर हम ये गणना कर लें तो शायद हम इस तरीके से भी हम महत्तम मान एस का निकाल सकते हैं तो यह ज़्यादा आसान होगा व्युत्पन्न निकालने के तुलना में कि अगर हम ये माने कि अगर एस उसने दुकान ने अगर भंडारण किया था एस से एक ज़्यादा अगर भंडारण किया होगा तो उस दिशा में उसे कितना दशा में कितना लाभ होगा हम पूर्व में निकाले हुए व्यंजक में अगर s की जगह s प्लस वन प्रतिस्थापन कर दें तो वह लाभ बड़े आसानी से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पे हमने s की जगह s प्लस वन रखा है s धन एक और यह आप देख सकते हैं कि पूर्व के ही पद में हमने s की जगह s धन एक रख दिया है एक एकाई s का मान बढ़ाने के लिए तो इस पद को अब आप देख सकते हैं जब i का मान यह पूर्व की भांति i का मान एस धन एक होगा तो यह पद जो इस कोष्टक में है उसका मान शून्य हो जाएगा तो अतः यह मान पुनः लिखा जा सकता है एक योग जिसमें कि i का मान शून्य से लेकर एस तक ही होता है तो जब हमने ये व्यक्त कर दिया अगर आप याद करें पूर्व में जब हमने यह औसत लाभ निकाला था तो उस व्यंजक में यहाँ पर था एस धन ए धन बी योग आई शून्य से एस तक और ये पद जो आपका लिखा था तो ये पद को अगर हम देखें ये आई माइनस एस के में था ये आई ऋण एस ऋण एक है तो इस तरह हम निकाल सकते हैं इन दो औसत लाभों में के बीच के बीच की क्या भिन्नता है तो अगर हम इसमें से इसको अगर ऋणित करें तो वह ऋण करने पर हम ये देखते हैं कि वह आसानी से इस तरह व्यक्त की जा सकती है जो कि दिया हुआ हमारा प्रश्न में जो स्थिरांक है ए और बी और यह हमारी दुकानदार मंगाई हुई खुल संख्या का जिसका कि भंडारण किया वह है और यह हमारा प्रायता है तो सभी कुछ जो प्रश्न के कथम में दिए हुए जो डाटा है वो उन्हीं के संबंध में यह व्यंजन लिखा हुआ है तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या स्वरूप है तो हम ये देखते हैं कि यह कह सकते हैं कि एस इकाई का भंडारण करने से एस धन इकाई का भंडारण करना बेहतर होगा या अच्छा होगा जब क्या होगी वो दशा जब अगर हम ये देखें जब ये होगा यह एक स्थिरांक है और यह एक योग है जब यह योग का मान जो दूसरे पद में योग का मान होगा से कम एक अनुपात जो कि है ए भागा ए धन b जहाँ ए हमारे लाभ के में कितने रुपए का लाभ है और बी कितने रुपए का नुकसान है इस इस अनुपात के तो जब तक एस के वो मान इस अनुपात को संतुष्ट करेंगे तब तक हमारा ये जो है एक इकाई का रखना S से एक ज़्यादा इकाई रखना बेहतर होगा या ज्यादा लाभ देगा तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह सर्वोत्तम मान S का जिसे कि हमने एस घात स्टार से इंगित किया है वह सबसे बड़ा मान है S का जिसके के लिए जो बाई तरफ का योग है उसका मान कम रहता है दिए हुए अनुपात ये दिए हुए अनुपात एक स्थिरांक में है तो दाया तरफ एक स्थिरांक है और बाएं तरफ एक बढ़ती हुई श्रेणी है जो कि यह योग है तो यह श्रेणी एस के मान के साथ बढ़ेगी और जब तक यह मान कम रहता है तब तक यह बेहतर होगा कि एस धन इकाइयों का भंडारण किया जाए एस इकाइयों के तो इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम यह कह सकते हैं कि महत्तम औसत लाभ एस घात स्टार धन वन इकाइयों के भंडारण पे होगा और ये है, मान किस पर निर्भर करेगा कि जो हमने स्थिरांक जो लाभ और नुकसान के लिए हैं रुपये ए रुपये बी के ये इनके अनुपात जैसा कि आप देख रहे हैं तो जो यहाँ मान होगा उसकी वजह से हम एक संख्या के रूप में इसे व्यक्त कर पाएंगे तो आशा है कि आपने इस प्रश्न जो कि थोड़ा गूढ़ था का हल को समझ लिया होगा